देश भर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है 2019 तक भारत को स्वच्छ देश बनाना है। इसके तहत ही देश के अलग अलग प्रदेशों और शहरों ने भी अपने स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान को समर्थन देने के लिए कई विशेष कार्यक्रम और ऐसे मिशन्स की शुरुआत की जो कि अपने अपने प्रदेश और अपने शहरों को स्वच्छ बनाएंगे। इसी के तहत नगर पालिक निगम इंदौर ने भी स्वच्छ इंदौर अभियान की शुरुआत की जो कि स्वच्छ भारत अभियान को समर्थन देगा। साथ ही नगर निगम इंदौर द्वारा कुछ ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ एकेडमिक से लोग हैं, कुछ एंटरटेनमेंट और कल्चर फिल्म से लेके कुछ ऐसे ब्रांड एम्बेसडर जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इस मिशन का, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। और इसके लिए ही आज प्रेस्टीज के यूजी प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है नगर निगम इंदौर द्वारा, जहाँ पर उन लोगों के नामों की घोषणा होगी, साथ ही एक औपचारिक एक बैठक होगी जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे की रणनीति तैयार कैसे की जाए, और आगे की रणनीति तैयार करके जो बाकी का काम होगा इंदौर को नंबर एक शहर बनाने के लिए क्या काम करना है। इसी के तहत 7 दिसंबर 2016 का ये दिन आज पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो जहाँ पर प्रेस्टीज के इस यूजी प्रांगण में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में नगर निगम इंदौर द्वारा आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें कि प्लेबैक सिंगर पलक मुछाल और डिफेंस के कुछ ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर यहां पर आएंगे और साथ ही स्वच्छ इंदौर अभियान में अपना योगदान देने के लिए एक नई शुरुआत करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत अच्छा मिशन है जो कि प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, और इसमें मुख्य बात यह है कि हम जनता को जागरूक करना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि सिर्फ एक मिशन चला के या उसके ऊपर टीम बना। घर घर में ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि स्वच्छता हमारे लिए, न ही हमारा घर साफ रहना चाहिए तो वो घर जिस गली में है वो साफ़ होना चाहिए, वो गली जिस मोहल्ले में है वो साफ़ होना चाहिए, वो शहर साफ होना चाहिए। एक छोटे से कदम से कि हम अपनी गली को साफ रखें और बढ़िया देश अपने आप स्वच्छ हो जाएगा। और इस स्वच्छता के मिशन का मेन उद्देश्य ये है कि इससे हमें स्वास्थ्य लाभ होता है, बीमारियां कम फैलेंगी, लोगों को जो अलग अलग तरह के संक्रामक रोग होते हैं वह नहीं होते, और देश की छवि पूरे विश्व में एक बहुत अच्छी बनेगी कि एक बहुत साफ़ सुथरा देश है। जैसे मैं कई विदेशों में जा चुका हूँ, वहाँ देखता हूँ कि स्वच्छता वहाँ के नागरिकों के दिलो दिमाग में है, और यहाँ पर हमें उनको इन्फोर्स करना पड़ता है। आज का दिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए भी है कि आज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है, ये 7 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और 1949 में इसकी स्थापना हुई। स्वच्छ इंदौर अभियान में एकेडमिक से ब्रांड एम्बेसडर बनाया पुनीत कुमार द्विवेदी जी अब हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने की बधाई। धन्यवाद। साथ ही आप इस जिम्मेदारी को किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है, राष्ट्र निर्माण को नया काम मिला है, तो इसको इंदौर को साफ करना है और स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करना है, स्वच्छ इंदौर को जन जन तक पहुँचाना है, और हर गली मोहल्ले छोटे कस्बे जो इंदौर के आसपास के हैं वहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का जो मिशन है उसका जो मैसेज, उसका जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचाने का ही मेरा योगदान रहेगा। और जितने भी कॉलेजेस स्कूल्स हैं जहाँ पे एजुकेशन इन्वॉल्व हैं उन लोगों को इसके साथ जागरूक करना और इसके लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। स्टूडेंट्स का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, इसके पहले भी स्मार्ट सिटी में मेरे साथ स्टूडेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस बार भी हम इस अभियान में स्टूडेंट्स को भी वॉलंटियर्स और ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे जो अगली प्रक्रिया है, और उसके बाद से उसमें 100-150 स्टूडेंट्स के द्वारा ही इस काम को मांगा। थोड़ा अगर कुछ आगे पीछे की गाड़ियाँ होती है तो उसमें संयम रखें, उसको गाड़ी पहुँची है तो उसमें डालें, धीरे धीरे सिस्टम सेट हो जाएगा, टाइम पर गाड़ी जाने लग जाएगी, तो यही किसके लिए कचड़ा किसी भी प्रकार से सड़क पर डाले, लेटर बेस पर डाले, कलेक्शन गाड़ी में डाले, सहयोग दीजिए। सर, पब्लिक के लिए बस आपका एक आईडी, नमस्कार इंदौर, मैं आप लोगों के लिए रहने का। नमस्कार इंदौर, मैं हूँ मनीष सिंह, मैं नगर निगम इंदौर, और आप मुझे कैटर कर सकते हैं।
अब हम मौजूद हैं एयर मार्शल आपके साहब के साथ। सर, आप आज जो फ्लैग डे है, आप उस बारे में कुछ क्या कहना चाहते हैं? फ्लैग डे 1949 में शुरू हुआ था पहली बार। एक तो जिन लोगों ने देश की सेवा की है, जो उसमें शहीद हो गए, उनको याद करना है। जो सर्विस से रिटायर हो गए हैं, उनकी देखभाल करना है, ये इसके पीछे इच्छा थी। मेरे हिसाब से आज का दिवस सभी भारतवासियों के लिए इन लोगों को याद करना और उन्होंने हुए किए हुए त्याग, बलिदान और कार्य की सराहना करना, ये इस दिवस का महत्व है। और इसलिए ये दिवस हम सब लोगों ने उन लोगों की याद में और उनकी भलाई के लिए मनाना चाहिए। अब हम मौजूद हैं नीमा सर के साथ। सर, आपका फ्लैग डे के बारे में क्या कहना है? आज आप जो फ्लैग डे अपन मना रहे हैं, ये फ्लैग डे जो है, ये हमारी तीनों सेना जी, थल सेना, वायु सेना और जो जल जी सेना, नौसेना है, उन तीनों के लिए एक तरह से ये हम देश के जवानों के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं। और ये कंट्रीब्यूशन मोस्टली जब जैसे आपदा, नेचुरल आपदा वगैरह आती है, उस समय हम इसको उसी में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जो इस तरह जो हमको समाज से मिलता है, हम समाज को ही उसी को वापस करते हैं जी, क्योंकि हमारे पास अपने खुद के वेलफेयर फंड्स काफ़ी होते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको सामाजिक कार्यों में लगाते हैं। जैसे श्रीनगर वगैरह में हमारे पास में बच्चों के लिए स्कूल खोलना, ग्राउंड खोलना, जम्मू कश्मीर में और ग्राउंड्स बनाना, फुटबॉल ग्राउंड बनाना, उनको दवाइयाँ वितरण करना, उसमें काफ़ी पैसा का यूज़ किया जाता है। सर, जो ये मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चालू किया, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि मैं कई दफ़े विदेशों में भी गया हूँ, मगर जिस तरह से गंदगी हमारे शहरों में थी, अभी तो काफ़ी हद तक सुधार हो रहा है। और इसमें हर व्यक्ति को, हर एक इंसान को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अकेले मोदी जी के कहने से, या आप ये सोचो कि मैं कचरा फेंकूँ, कचरा साफ करने वाला 24 घंटे तो आपके पास आए करना चाहिए, तो आपने अगर फेंकता है तो आपकी जिम्मेदारी आप उसको उठाएं, मगर एक ऐसी खास जगह पर डालें जिससे कि एक बार दो बार शहर की गाड़ियाँ होगी, वो उठा के ले जाएगी, तो अपने आप शहर साफ हो जाएगा। जो आज फ्लैग डे सेलिब्रेट हो रहा है, आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं जो फ्लैग डे है उसके बारे में यही कहना चाहूँगा सारे देशवासियों से या सारे जवानों से, कि जिस तरह हमने अपने 38 इयर्स आर्मी में दिए लाइफ के, और हमने एक बहुत अच्छा अनुभव किया, फौज के हर एक एक्सपीरियंस को सहा, देखा, फौज के अप्स एंड डाउन्स में रहे, और एक बहुत अच्छी फौज की नौकरी करके, साफ और बिल्कुल ब्लेमलेस नौकरी करके जब हम रिटायर होकर आए, तो हमें बड़ा फख्र होता है कि हम अपने शहर में वापस लौटे हैं और अपना पूरा जीवन करीब 38 इयर्स आर्मी में हमने बिताए हैं और देश की सेवा में बिताए हैं, और आज भी हम तत्पर हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो हम अपने तन मन धन से देश की सेवा कर सकते हैं और करना चाहेंगे। और यही हमारा संदेश सभी के लिए है कि अपने देश को सर्वोपरि रखें, और जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी ज्वाइन करें। और कई बहुत तरह के डर या बहुत तरह के, मुझे ऐसा लगता है कि मिसकंसेप्शंस हैं, उसको हमसे मिलें और दूर करें और आर्मी में आने की चेष्टा करें, और एक बहुत अच्छा अपने जीवन को डायरेक्शन दें, अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने देश की सेवा में लगाएं। ये सब मत कहते हैं, दोबारा थोड़ी लेंगे सामने सामने। जनवरी 2017 में होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले सभी शहरों ने स्वच्छता के लिए अपनी कमर कस ली है, और इंदौर भी उनमें से एक है। इंदौर को नंबर वन शहर बनाने के लिए यहाँ के कई बुद्धिजीवी, सेना के रिटायर्ड ऑफिसर, प्लेबैक सिंगर पलक मुछाल
एकेडमिक से ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी और अन्य लोगों ने सहयोग के लिए आश्वासन दिया है। देखते हैं कि इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण में किस नंबर पर आता है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए इंदौर की जनता का सहयोग भी यहाँ पर अपेक्षित रहेगा। कैमरा पर्सन आयुष दुबे के साथ मैं सुनील पटेल, प्रेस्टीज मीडिया, इंदौर।